पीछे कहाँ है? तो इतनी शक्तियां हैं, फिर तुम्हें किस बात की चिंता? चिंता है, फिक्र है, क्योंकि जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। करुणा और गौरी का कुछ पता चला? वो दोनों ही गायब है। और उस दिन कालासुर मुझे हमारी ही सुमेरगढ़ की हवेली की खंडर में लेकर आया और मुझे यहाँ कैद कर दिया। मुझसे वो राज पाने के लिए वो मुझे बरसों तड़पाता रहा, कष्ट देता रहा। ये चोट, ये जख्म, ये निशान, ये सब उस कालासुर की निशानियां हैं। बता दे राजलक्ष्मी। मुझसे वो राज उगलवाने की बहुत कोशिश की उसने, पर मैंने नहीं बताया, ना कभी बताती। ये बात तो वो जान चुका था, क्योंकि सब कुछ तो खो दिया था मैंने। अब खोने के लिए कुछ और बचा ही नहीं था मेरे पास। तो उसके चाबुक की मार, उसके गर्म लोहे की वो तपिश, सब बर्दाश्त करती रही, पर मुंह नहीं खोला। और फिर मुझसे थक हार के वो एक दिन सुहासिनी की तलाश पर निकला, और एक दिन उसने मेरी बच्ची को ढूंढ ही निकाला। मेरी नजरों के सामने वो नजारे दिखाए मुझे। देखा मैंने जब वो अपने पति के साथ रामनामगढ़ आ रही थी। देख राजलक्ष्मी, देख, तूने मुझे नहीं बताया ना, और तेरी बेटी को मैंने ढूंढ लिया। ये देख, तेरी माँ यहाँ खुद नहीं आई थी, उसे बुलाया था किसी ने, कालासुर के कहने पे, कालासुर के लिए। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था, पर कोई तो था। और ये सच तेरी माँ सुहासिनी को नहीं पता, और ना ही ये पता था कि वो कालासुर उससे क्या चाहता है। पर तेरी माँ मेरा खून थी, और उसने तांत्रिक के 3 टुकड़े कर दिए। काल आता है, काल को काटने वाली आई है। मुझे लगा कि उस शैतान की कहानी खत्म, वो शैतान खत्म। मैं कैद थी अपने ही इस हवेली में, पर खुश थी कि मेरी बेटी अब हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेगी। मैं जीना तो नहीं चाहती थी, पर कोई तो थी जो कालासुर की मददगार थी, जो मेरे पास आती थी, मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे जिंदा रखने के लिए, मेरी आने वाली पीढ़ी की मौत दिखाने के लिए। जबरदस्ती मुझे सुबह शाम खाना खिलाती थी और कहती थी कि तुझे तेरी खानदान की बर्बादी दिखाने के लिए जिंदा रखा है। ये कहानी एक दिन फिर शुरू होगी। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन थी, लेकिन वो हमेशा काले कपड़े पहनती है। जानती है? नहीं, मैंने उसे एक बार वो काले कपड़े में देखा था। मैं राम जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मौत आ जाए। पर एक दिन वो तांत्रिक आया अपने तीनों टुकड़ों के साथ फिर से जुड़ के, इस खबर के साथ कि उसने तुझे ढूंढ लिया है। मुझे? लेकिन मैं क्यों? मैं जानती हूँ कि तेरे लिए ये सब मानना और समझना बहुत मुश्किल है, पर ये सब हुआ है, हो रहा है। मेरी बच्ची, वो तांत्रिक ये सब कुछ कर रहा है। वो चाहता है कि वो भगवान बन जाए, पर भगवान तो केवल एक है ना, दूसरा कोई नहीं बन सकता। तो फिर क्यों पड़ा है वो हम सबके पीछे? आखिर क्या राज है जिसे वो पाना चाहता है? वही राज जिसे पाकर वो भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान जैसा बन सकता है, सबसे शक्तिशाली बन सकता है। वही राज जिसकी रक्षा बेटा हम कर रहे हैं। लेकिन नानी, वो राज क्या है? शालीग्राम। शालीग्राम? शालीग्राम, जिसमें स्वयं ईश्वर का वास होता है, अंश होता है बेटा। वो जिसके पास हो वो दुनिया पर राज कर सकता है। कुदरत का तो नहीं, पर दुनिया का भगवान बन सकता है। अगर वो शालीग्राम उस तांत्रिक के हाथ लग गया ना, तो वो इस धरती का विनाश कर देगा बेटा। फिर उसे हराना या रोकना नामुमकिन हो जाएगा। नानी, आप बैठ जाइए। मेरी बच्ची, मैंने सब खो दिया। मेरी जिंदगी, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा खानदान, सब कुछ। पर अब मैं तुझे नहीं खोऊंगी। मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि वो शालीग्राम कहाँ है। मैं तेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहती मेरी बच्ची। क्या बात है, क्या भरत मिलाप किया है यार, मजा आ गया। पता है गौरी, मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं कोई हिंदी फिल्म देख रही हूँ। रोना आ गया यार, इमोशनल कर दिया तूने मुझे। नानी, अब जो भी करना है ना, ये नहीं करेगी, मैं करूँगी। देखती हूँ कि तू कैसे नहीं बताएगी। बता, वो शालीग्राम कहाँ है? लेके जा मुझे वहां तक। वो कालासुर भी बोलेगा ना गौरी कि करुणा क्या लेकर आई है मेरे लिए। बता बुढ़िया, बता। कभी नहीं, कभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब मैं तुझे बताती हूँ। ये जो तेरी नातिन है ना, अब मैं इसे खत्म करूंगी। बरसों बाद मिली है ना तू इसे। अब तू देख इसके मरने का लाइव टेलीकास्ट। मुझे गौरी के पास जाना होगा। गौरी! मेरी बच्ची।